ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਆ ਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਕਰਤਾ ਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਕਰਤਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बेरोजगारी के मुद्दे से खालसा कॉलेज अमृतसर के बाहर विद्यार्थियों वालों एक अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस मौके विद्यार्थियों ने फलों की रेहड़ी लगा के प्रदर्शन किया, सरकार को घेरन और उन्होंने जगाने की कोशिश की। उनका कहना है कि वह इस तो पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं पर सरकार वालों कोई भी कदम नहीं चुकया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1997 तो यूनिवर्सिटियों में खाली पोस्टा नहीं भरिया गई। इस दौरान बहुत सारे सरकारी कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। उन्हों का कहना है कि टीचरों की खाली पोस्टा के कारण कॉलेजों में विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इस दे नाल ही कलर्कों की कमी के कारण भी दफ्तरी कामों में काफ़ी खामियां हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले बेरोजगारी खत्म करने का वादा किया। उन्हों का कहना है कि जेकर सरकार ने छेती ही खाली पोस्टा से नौकरियां ना दित्तियां तो वह इस रोस प्रदर्शन को भविष्य में होर भी तिखा करेंगे। आओ सुनते हैं इस मामले में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने की कहा। भाजी मेरा नाम जतेंद्रवीर सिंह है, मैं सर स्कॉलर यूनियन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का प्रधान हाँ। अज जो प्रोटेस्ट है ये पंजाब सरकार की अखा खोलने लिए असी किया। हालांकि साड़ी पंजाब यूनीवर्सिटी के पटियाले यूनीवर्सिटी के सरकारी कॉलेजों की जिहड़ियां खाली असामियां उन्होंने भरन के लिए थामां थामां ते प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये उही लड़ीवार का हिस्सा है। मेरा नाम हरदीप कौर है जी, असी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो साढ़े कुछ रिसर्च स्कॉलर ने साडे टीचर भी ने सानू पढ़ाते भी यार असं उन्होंने सपोर्ट से आए हैं क्योंकि साड़ी एक डिमांड है कि सरकार जिहड़ी पंजाब सरकार है वह हुण लगातार पंजाब जिन्हें भी सरकारी कॉलेज सीगे उन्हां सारे प्राइवेट कर रही है तो उन्हां च कोई असामियां नहीं भर रही। वह उल्टा हुण सरकार ने नवे 8-10 नवे सरकारी कॉलेज खोलन का ऐलान करता तो उहदे च वी इह कीता कि गैस्ट फैकल्टी रखे जाणगे और जिहड़े सरकारी कॉलेजां च पहलां नौकरी करदे सी उही तनखाह देणगे उन्हां नूं। उल्टा असामियां नहीं भर रहे, 1850 असामी है इस वक्त कॉलेजों के जिचो सिर्फ 350 जिहड़ियां सीटां भरिया हुई हैं बाकी सारियां खाली ने। कुछ गैसट फैकल्टी रखे हुए उन्होंने बिल्कुल रेगूलर नहीं कर रही तो 1991 तो हो रहा, उस तो बाद उन्होंने 90 तो बाद कोई भर्ती नहीं की हैगी। बहुत सारे हुण जिहड़े टीचर ने जिन्होंने PhD भी कर ली हैगी कंप्लीट हो चुकी है पर 10-10 हज़ार तो लगे हुए ने, उन्होंने कोई रेगूलर नहीं किया जा रहा। साड़ी यह डिमांड आ कि एक तो सरकार सरकारी कॉलेजों को वेचना बंद करे, उन्होंने सरकारी करे ता कि उहदे विच जिहड़े गरीब परिवारों के बच्चे पढ़न आउंदे आ सस्ती सानू सिक्ख्या मिले ता कि असीं अगे साढ़े देश नूं अगे लैके जा सकीए। जिहड़े बजुर्ग इत्थे रेहड़ियां ला रहे उन्हां नूं पुछ के देखो कि उह बेचारे कह रहे कि बेटा तुसीं डिग्रियां लो ता कि तुसीं कोई चंगी नौकरी करो, असीं अपनी जिंदगी हंडा ली इत्थे धुप्पां दे विच खड़ खड़ के। तो अज असीं इन्ना दिखा रहे हैं कि जिथे साढ़े बजुर्ग लगे हुए हैं तो जिन्हां नूं तुसीं अध्यापक कहिंदे हो गुरु कहिंदे हो एजुकेशन साडा इक बहुत वड्डा चानण मुनारा ज्ञान देण वाला उहनूं तुसीं इस तरीके नाल वेच रहे हो कि सानूं रेहड़ियां लाउणियां पै रहियां तो फिर सानूं डिग्रियां इहदा मतलब असीं सिर्फ अखर काले कर रहे हैं। साडा पैसा सरकार लुट रही है कदे किहड़ा फार्म करता कदे किहड़ा फार्म करता बाद दे विच भर्तियां रद्द कर दिंदी आ करोड़ां रुपए इकट्ठे कीते आ उन्होंने। पिछले दिन इतने पटवारी की भर्ती से रद्द करती, उन्होंने करोड़ों रुपए पंजाब सरकार ने इकट्ठे किए थे बाद जाके रद्द कर दी जाती है, यह सिर्फ एक खज्जल खुआरी है लोगों की। अमृतसर तो बबलू महाजन की रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम TV।